বাবু রাগ ছিলা রাগ নেই না ডক্টর কাছে যাও ডক্টর। कार का जो इंसिडेंट है वो आपने अलीबाग प्लेलिस्ट में व्लॉग वन में देखा ही है। तो हम जिस होटल में रुके थे रेडस्टोन होटल में, वहाँ जाने से पहले ही मैंने बहुत से लोगों को पूछा था कि मुझे वो पोपटी जो डिश है वो ट्राई करनी है, वो जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की फेमस डिश है। लेकिन वो उन्होंने बोला कि अभी नवंबर में नहीं, उसके लिए जनवरी फरवरी में आपको आना पड़ेगा। तो जिस होटल में हम थे रेडस्टोन में, वहाँ पे एक ग्रुप आया हुआ था, उनके लिए पोपटी का प्रिपरेशन हो रहा था। तो मुझे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, तो मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ, बस मैं शूट करूँगी। तो उन्होंने मुझे ओके बोला एंड देन आई फिल्म दिस थिंग। मनीष दादा करके ये जो दादा है वो ये बीन्स को वॉश कर रहे थे, तब मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला था कि ये जो पापड़ी है, इसको पापड़ी बोलते हैं हिंदी में, ये जो अलीबाग में बनती है ना, जो जनवरी फरवरी के आसपास जो मिलती है, उसकी टेस्ट अलग ही होती है। इसीलिए सब लोग मुझे बोल रहे थे शायद जनवरी में पोपटी मिलेगी। विषारी है। ये जो लीव्स है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट दिस पर्टिकुलर लीव्स आज मामूल डसा पाला इसको बोलते हैं वो लोग। और इसको एक अलग तरीके का सेंट है, विच यू कैन से हार्ट ऑफ दिस पोपटी डिश। चैनल है बोला मी तुम्हाला मग माहिती देतो सगळं। हां नक्की माझा दोन जणांनी सावरडी का तुम्हाला सांगतो। पुश फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल होतं माहिती तुम्हाला। ओके, फूड फेस्टिवलला नगर रक्षा जेव्हा सागावर होते, बबन सागावर, तेव्हा त्यांनी सांगितलं तुम्ही रायगड जिल्ह्यात फेमस आहात हे आम्ही बऱ्याच जणांकडे ऐकलं, तर मला सावंतवाडीमध्ये पोपटी पाहिजे। मी सहजपणे म्हटलं की ठीक आहे, मला मामुडीचा पाला तुम्ही द्या, मी अलर्जी करून द्या, मी तुम्हाला पोपटी देऊन जातो। आणि माझ्या हॉटेलला फूड फेस्टिवल जो होता ना, म्हणजे हॉटेलमध्ये आतमध्ये गार्डनमध्ये, तेव्हा फूड फेस्टिवल मी तिथे मध्ये पोपटी डिक्लेअर केली आणि नगरपालिकेने बोर्ड लावले की रायगड जिल्ह्यातली पोपटी प्रथमच सावंतवाडीमध्ये। आणि लिटरली बिलीव करणार नाही, म्हणजे पोपटी मी फक्त भरायला तिकडे होतो, मुलांनाही माहित नाही की पोपटी कशी होते, नाही अजून आम्हालाही माहिती नाही पोपटी कशी असते। आणि मग ते सगळं प्रिपरेशन सगळं त्यांना दाखवलं आणि त्यानंतर प्रिपरेशन्समध्ये सगळं भरायचो मी आणि ते फक्त आगीच्या सगळं लॉनमध्ये लावा लागतं। पोपटी हा डायनिंगवर आयटम खाणार का नाही नाहीये, आणि तिथेच खायचं, तिथेच ती सालं टाकायची, म्हणजे आम्हाला ते खत मिळतं नंतर खायचो। आणि मग तर पोपटी झाल्यावर तो सुगंध मातीचा येतो आणि तो खायला जी मजा येते ती मला आज कळेल। तो पोपटी के लिए ये जो मिट्टी का मटका होता है वो यूज़ होता है, उसमें पहले ये लोग वो लीव्स डालते हैं, उसमें फिर बाद में बीन्स डालेंगे और फिर लेयर पे लेयर डाल के उसको, उसमें नमक अजवाइन वगैरह भी डालते हैं, वो आप वीडियो में आगे भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वेज में भी पोपटी होती है और नॉन वेज में भी पोपटी होती है। तो मुझे ऐसे लगता था कि पोपटी इज़ अ पर्टिकुलर डिश विच इज़ मेड फॉर लाइक चिकन, चिकन का ही बनता है, बट ऐसा नहीं है, वेज में भी बनता है। इसमें वो लोग पोटैटोज, अनियंस और कॉर्न वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वेज पोपटी का भी मैंने वीडियो लिया और नॉन वेज पोपटी का भी वीडियो लिया है। और ये जो अंकल है इनका नाम है प्रवीण धाकवे और इनका अम्यूज़ हब हॉलीडेज़ करके इनकी एजेंसी है, जिसके थ्रू ये हॉलीडेज़ अरेंज करते हैं, आपके लिए ट्रिप्स अरेंज करते हैं, टूर्स पे लोगों को लेके जा सकते हैं। तो इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इनको कॉन्टैक्ट करके जा सकते हो। एंड उनका प्लानिंग बहुत सही है, बहुत अच्छे से प्लान करके वो लोगों को इस सब के बारे में बताते हैं। उन्हीं की वजह से आज हमने ये पोपटी एक्सपीरियंस की है जो आप देख सकते हो। तो इन्होंने अभी ये नमक डाल रहे हो, जाड़ा नमक इसमें, और फिर ये अजवाइन भी डालते हैं उसमें, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालते। मुझे लगता था कि पानी डाल के कुछ ग्रेवी वाला आइटम रहेगा जिसको भाकरी के साथ खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालते, नॉर्मल नमक ही डालते हैं। ये सब जो मटेरियल रखा हुआ है ये वेज पोपटी के लिए रखा हुआ है। तो वेज पोपटी में इन्होंने मटर का भी यूज किया था और नॉर्मल जो पापड़ी थी उसका भी यूज किया था। इवन दे ॲडेड स्वीट पोटॅटोज अँड मेनी मोर थिंग्स। स्वीट पोटॅटो ज्याला आपण मराठीमध्ये रताई म्हणतो ते पण त्यांनी त्याच्यामध्ये टाकलं होतं।
जब आप इनके टूर के पैकेज के साथ जाते हो ना, तो ये आपको एक्सपीरियंस कराते हैं ये सब चीज़ें, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि हम इनके साथ नहीं गए थे, हम अलग से गए थे, लेकिन इनके ग्रुप के सिवा सिर्फ हम ही लोग थे वहाँ पे, इसलिए अच्छी दोस्ती हो गई उनके साथ और हमें ये सब एक्सपीरियंस करने मिला। तो इसमें नॉर्मल नमक नहीं डाला था, ये जाड़ा नमक और अजवाइन इन्होंने डाला था। तो ये हमारी वेज पोपटी पैक करके हो गई है और यहाँ पे भाकरी का प्रिपरेशन चालू है। तो ये किसी की अलग ऑर्डर है इसलिए भाकरी का प्रिपरेशन चालू है। तो ये वेज पोपटी को पैक करना ही थोड़ा स्किलफुल काम है, क्योंकि इसको ये पत्ते से पूरा टाइटली पैक करना पड़ता है, क्योंकि ये मटका उल्टा करके फिर उस पर आग वगैरह जो है वो लगाते, जो आप आगे वीडियो में देखोगे, तो ये गिर ना जाए उसके अंदर की चीज़ें, इसलिए प्रॉपरली एकदम टाइट ऐसे पत्ते डाल डाल के उसको पैक करना होता है। तो जब ये पैक कर रहे थे तो टाइटली पैक नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने वापस उसको थोड़ा सा निकाल के उसमें वो बिन्स ऐड किए और फिर वापस पैकिंग करना चालू कर दिया था। So now we are almost done with the packing of veg popti. मैंने बस ऐसे ही फोटो निकाला, मैंने कुछ काम नहीं किया वहाँ पे। Now it's a preparation for non-veg popti. तो non-veg popti में सिर्फ चिकन आता है और कॉर्न वगैरह भी यूज होता है, लेकिन बीन्स और ये जो पत्ते हैं ये दोनों पोपटी में कॉमन थे, जो वेज पोपटी में भी थे और नॉन वेज पोपटी में भी थे। बाकी नमक, अजवाइन, वो सब चीज़ें सेम ही है। और हाँ, नॉन वेज पोपटी में वो लोग एग्स भी यूज़ करते हैं, अंडे बहुत डालते हैं उसमें ऊपर ऊपर। ये नॉन वेज पोपटी में जो बचा हुआ था वेज पोपटी का स्वीट पोटैटो, पोटैटो अनियंस, वो भी इन्होंने इसमें डाल दिया था, वो भी चलता है। पर पानी नहीं है अभी, स्टीम कर रहे हैं। स्टीम इधर पानी आ रहा है। हां हां हां, पाले से पानी आ रहा है, स्टीम मत करो। तो जो क्यूरियोसिटी थी ना, वो इतनी थी कि पानी नहीं है फिर भी ये सब चीज़ें प्रॉपर कैसे पकेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे वो देखना था। नहीं परंतु रहेगा।
वेज सैड. तो हमने ये आइडेंटिफिकेशन मार्क उस पर किया है वेज और नॉन वेज का. सो नॉन वेज इज अ स्टार एंड वेज इज दिस सैड स्माइली. अब ये मटके को उल्टा रखेंगे और फिर वहाँ पे सारे लकड़ियाँ वगैरह उसके ऊपर रख के फिर आग लगा देंगे. और आग लगा देंगे उसके बाद 30 मिनट्स बाद वो पोपटी रेडी होती है. उनका कुछ टाइमिंग होता है वो मैं भूल गई, वेज का कितना और नॉन वेज का कितना, बट अप्रोक्स 30 मिनट्स तक उन्होंने वो सब किया था. तो अभी हम गए थे नवंबर एंड में और बारिश भी हुई थी, इसकी वजह से थोड़ा लकड़ी का और सब सूखा कुछ मिल नहीं रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था. जब एक्चुअल ठंडी चालू हो जाती है दिसंबर में तब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. अभी हम जब गए थे नवंबर 2021 में इतनी भी ठंड नहीं थी, बारिश होके गई थी और फिर भी, लेकिन ये एक्सपीरियंस करने मिला ये बहुत बड़ी बात है. नाउ वी आर प्लानिंग फॉर जनवरी 2022 कि हम जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे हैं, सब लोग हमें पोपटी के लिए बुला रहे हैं और वी आर फेमस क्योंकि हमारी हेक्टर फंसी थी. तो जो हेक्टर फंसी थी उन लोगों को पोपटी खाने बुलाओ, ऐसे बहुत से लोगों ने इन्विटेशन दिया है, तो ज़रूर जाएंगे. आज आमचं पण मॅप वरती गेलाय आणि विचारायचं. मला खरं सांगू, मला मॅप वरती अजिबात विश्वास नाही, मी वाईनच्या वरती विश्वास तिथपर्यंत बोललो, तिथे 200 मीटर वर हेच लोक भेटले. अरे मी फोन वरती, मी फोन वरती होते आणि हा नेहमी मला सांगतो की हेक्टर आहे ना ही फ्रंट व्हील ड्राईव्ह आहे, तुझे दोनच चाका वेळ ना, त्याच्यामुळे अशा ठिकाणी जाताना विचार करायचा विचार करायचा. मी फोन वरती आहे, मला मी आतल्या आत बोलते की अरे ते फ्रंट व्हील ड्राईव्ह आहे तर इथे कशाला जातोय आपण, कशाला मी फोन ठेवेपर्यंत झालं. बट अगर तू रिव्हर्स भी ले लेता ना, लिया था रिव्हर्स. हाँ तो मैट मैट ही नहीं या फिर रफ यार, वो मैट पण किती महाग आहे ते यार, बड़ा ते मैट त्याच्यापेक्षा ते एमजी वाल्यांना फोन केलेला परवडतो आणि ते येतं. त्याने केलेलं रेस्क्यू टीमला, मी ते येत होते पण ते यायच्या आधी एक मुलगा आला 11वीत होता, तो एकट्याने त्याने गाडीच्या खाली ते काय ते नाम काय बताया वो मीत पाटील दगड टाकली असेल, दगडी टाकली असेल. मुझे बहुत से मैसेजेस आए थे उसके बाद कि कार के नीचे वो मैट डालनी थी, तो आते थे अरे भाई मैट भी बहुत महंगी है वो. मैं नहीं डालती थी मैट, मैं वेट करती थी कोई आके वो गाड़ी बाहर निकाले. मैं मैट बिल्कुल नहीं डालूंगी, आगे भी नहीं डालूंगी कभी, और अभी तो नौबत आनी भी नहीं चाहिए मैट डालने की.
कॅश मारते मग तुला काय झाला तो पाला झाले तू लेट आलाय झालं आमचं बाजू क्रव मजा त्याला क्रॅक गेलं पण काय काय जण सरळ पण ठेवतात काय नाही डब्यामधली ना पटून काढणार ठाण्यामध्ये त्याला काय म्हणतात खड्ड्यामध्ये उकडहंडी उकडहंडी त्याच्या पुढे सरळ गुजरातला उबाडी 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 उकडहंडी अप टू केवा केवा आपला जो पट्टा आहे ना उकडहंडी उकडलेलं पण त्याच्यामध्ये वेगवेगळं काहीतरी टाकलं होतं फिश पण टाकतो पण ते मजा कडक फिश असं ठाण्यामध्ये बघितलं ना त्याच्यामध्ये टाकलं हो रॅप करून रॅप करून आपण ते कापूस गिरा बी नाही असं रॅप केल्या सगळ्यात मला समजलं छान आहे तिकडे ना तो ये नॉन वेज पोप्टी जिसमें चिकन और एग है और ये है वेज पोप्टी तार पकडायचं नाही फक्त त्याला येत नाही तर तो वाजवणार आहे काय काय माहिती आणि तू कुठच्या बेसिस वर त्याला पहिल्यांदा ट्यून करायला देतास गिटार तुझं हो आणि तू काय एकदम प्रोफेशनल मी गिटार घेऊन आलो मला वाटलं तू वाजवणार आहे काय कसं वाजवतात अंकिता गिटार मला नाही येत अंकिता गिटार कसं वाजवत एकच गाणं आपल्याला बरोबर पकडले काय माहिती मी विचारतो याचा याचा वापर काय काय याचा वापर काय नाही बोटात रक्त बोटात रक्त येऊ नये म्हणून नाहीतर बोट व्यवस्थित असते चांगली तर वाचू अच्छा त्याला काय म्हणतात त्याला काय म्हणतात स्टॅग काय स्पेक्ट्रम म्हणतात किंवा पिक किंवा स्ट्रायकर बोलतो काय असं ठीक आहे काहीतरी उत्तर दिलं तिने पुढे वाजव एकदम बजा असं आहे जास्त काही वाजवायचं तो जिस ग्रुप के साथ मैंने बोला था जिस ग्रुप के लिए ये पोप्टी बन रही थी मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हम वीडियो करेंगे मुझे बस वीडियो करना है और मुझे एक्सपीरियंस करना है पोप्टी लेकिन उन्होंने हमें टेस्ट करने के लिए भी दी थी और बहुत ही अच्छी थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं टेस्ट करूँ या फिर मैं वो पोप्टी क्या है वो देखूँ वो सब फुलफिल हो गया थैंक यू सो मच अम्यूज हॉलीडेज फॉर दिस अच्छा ऐसा फोड़ा है सगळे क्या बात है भाई आणखीन दोन लागणार हे नाही नाही येत मला ये भुक्कड औरत भेटी आहे आपे खाने के लिए बहुत चांगला आहे देखो ना आदित्य भाई अपना हे भाई हे पण कसं शिजले बघ ना पाल्यामध्ये बघ चलो सूरज हे काकडी काकडी ते चिकन संपलं आपले का ना चलो सूरज हे खा तू ठीक आहे बरेचशे उशी मेल झाल्या वांगा मेल झालं तिकडून पण पडलं आज चांगलं
तो ये जो अम्यूज हॉलीडे करके ये लोग पैकेज के साथ लोगों को लेके आते, तो बहुत अलग अलग लोग थे, कोई सिंगल आया था, कोई फैमिली के साथ आया था, और फिर वो उनको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कराते कि पोपटी कैसे बनाते हैं, फिर उनका नॉर्मल ऐसे गेम्स वगैरह भी होते हैं, फिर खाना वगैरह, उनके पैकेजेस अलग अलग हैं। मैंने उनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके भी आ सकते हो। तो पोपटी एक्सपीरियंस करने के बाद जो हमारा नॉर्मल खाना जो हमने ऑर्डर किया था वो खाने के बाद हमने सोचा कि एक रात में थोड़ा आजू बाजू में ऐसे ही भटक के आ जाते हैं। सगळे माहित असत किस्से, मला सगळे किस्से माहिती असत। इतनी दफा तूने मेरा हटा सब मेरे को। बंद कर बंद कर, दूर ये 5-6 हो गया तो फोटो में कसलो भारी वाटते। जवान स्टेट चलो। प्रदीप बघ कसा वाटतो माझ्या मागे भूत असल्यासारखा। लोक मारतील अर्ध्याहून जास्त व्हिडिओ मला तुमच्या शिव्यांमुळे ना डिलीट करायला लागतात। काय करणार, हा जो तुमचा पार्ट आहे तुमचा देवभक्त रिसॉर्ट आहे तिथे आपण या गोष्टी सफा येईल ना, मला तेव्हा मी तुम्हाला मावळीचा पाला सर्च करून आपण तिथे मुद्दाम नक्की बनवून दोन। आपल्याकडे तर ते पण अवेलेबल आहे ना सोडणं वगैरे। समुद्राच्या मध्ये एकमेव महाराष्ट्र तो टुरिझमचं परमिशन आहे महाराष्ट्र माहिती। तुम्हाला येताना महाडला आलं की अंबेज रोडला आपला प्रायव्हेट जेटी आहे, स्पीडबोट जाते आणि तिथे सुंदर म्हणजे कोळसा अकोमोडेशन आहे। मी तुम्हाला फोटो पाठवतो मोबाईलवर। त्यामुळे आपल्या वाईमध्ये तुम्ही पलीकडे कसं उतरायचं तुमचं आहे, पण वाईला मला खूप सुंदर रिझॉर्ट आहे, मी यांना फोटो पाठवतो ते तुम्हाला शेअर करते। अप्रतिम रिझॉर्ट आहे आणि त्या रिझॉर्टमध्ये खरोखर आहे एक माझे गेस्ट म्हणून या तुम्ही तिथे आणि वाईच्या रचनामध्ये कसं म्हणजे 10 एकरचा रिसॉर्ट, 8 एकरची शेती, 2 एकरचा म्हणजे आता टिपिकल आमच्या सातारा पक्षाचं तिखट मटण वगैरे नक्की आहे। सातारा पट्ट्यातला काही असं सिग्नेचर नाही, फक्त मला कधी येणार ते हे काढायचं वेळ काढा आणि मस्त पैकी तुम्हाला गॉल मी तुम्हाला मस्त स्वेटरून देईन नक्की नक्की। पण तुम्हाला नेचर फील करायचं ना तिकडे, म्हणजे मी थोडं सांगू का या झाडांचा प्रेम आहे आम्हाला पण थोडं बरं वाटतं। झाडं वगैरे आता इथे कसं तुम्हाला निसर्ग मिळतो ऍक्च्युअली बरं वाटतं। तो पूर्ण मोठा आनंद घ्यायचा असेल म्हणजे असं मस्त पाळीव प्राणीवर एन्जॉय करायचं असेल मोर तुम्ही अंकिताला डिटेल्स द्या आम्ही नक्की प्लॅन करू। मला पण काढायचं फोन तो जो प्रवीण दाखवे जी का जो महाड़ में और वाई में जो रिसॉर्ट है उसके लिए हमें इनविटेशन तो मिली गया है, तो हम ज़रूर जाएंगे और जब जाएंगे तो मैं उस चीज़ का भी एक प्रॉपर व्लॉग ज़रूर डालूंगी। और मैं एक चीज़ इस व्लॉग के थ्रू बताना चाहूँगी कि ये जो हॉलीडे का जो पैकेज देते हैं तो इनके साथ जो लेडी है जिनका नाम है चंद्रकला लोने, तो वो जो आंटी है ना उनके साथ आप घूमोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा आपको किसी टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी है, आप उनके साथ घूम सकते हो। मैंने उनके साथ भी एक फ़ोटो खींचा था, वो ये है, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करती है। मैंने उन्हीं की कार को फॉलो करके मैंने आधा अलीबाग जो भी मैंने एक्सप्लोर किया है वो उनके साथ किया है, तो मैंने उनका नंबर भी नीचे दिया है, तो जो लड़कियाँ अकेले जाना चाहती है वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकती है। एंड दैट्स इट। और अलीबाग में मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, हम कहाँ घूमे थे, किस होटल में गए, ये सब चीज़ें जानने के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड। व्लॉग 4 इज़ कमिंग सून। बाय।